ये जो दिख रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। सभी लोग बैठे हुए पूछे मेरे गाइस, सभी लोग जग गए। अब सभी लोग जग गए सब। हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से नए व्लॉग पर स्वागत है दोस्तों। जैसे कि मैं आज जा रहा हूँ इंदौर, एंड दोस्तों मेरा टिकट भी हो चुका है, 4:30 बजे की बस है राठ से, और दोस्तों मैं निकलने वाला हूँ। मेरे बेटा कृष्णा सिंह है, चलो बाय करो। आए भाई बैठी है ये। चलो चलो चलो, उसको निहार के और जो घर विदा है उसको प्यारे को। तो ये फाइनली गाइस मेरा और सभी लोग बैठे हुए फिर मेरे गाइस। तो फाइनली गाइस हम घर से निकल चुके हैं, जा रहे हैं स्टैंड, वहीं से बस मिलेगी या कुछ भी मिलेगा साधन। तो आज हम निकल जाएंगे रात के लिए, रात से हम आई बस से 4:30 बजे गाइस। दोस्तों मेरे दोस्त भी मिल गए हैं गाइस, ये लोग खड़े हैं, अभी कॉलेज से आए हैं, अभी छुट्टी हुई दोस्तों, अब मिलेंगे बाद में, चलो चलते हैं। ओके और दोस्तों आप लोगों के कमेंट और था कि गांव कौन सा, सब साथ मेरा गांव लोधीपुर है। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट विलेज लोधीपुर। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यदि आपको गाना भी चाहेंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूँ इंदौर ना, और मेरी भाभी वहीं पे, रामदेव भाभी भी इंदौर में है। बॉम्बे नहीं, इंदौर जा रहा हूँ यार। एक बार मेरा दोस्त मिल चुका है, ये खड़ा है, खाली है, कुछ भी नहीं ग्लास में। तो फाइनली हम स्टैंड भी पहुँच गए, मेरे पीछे यही है, ये रोड दिख रहा है, यहीं तक बस आएगी। फाइनली हम आ चुके हैं रोड में दोस्तों, अभी सेट से मेरे पीछे से आएगी बस आएगी, तो उसमें हम जाएंगे वो सुराट, सुराट से हम लोग पकड़ेंगे बस, वहीं से हमें मिलेगी स्टैंड में। बस तो कॉलेज छुट्टी हो चुकी है, सभी बच्चे लोग घर जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है तक। बस भी आ गई दोस्त हमारी फाइनली, गाइस आप लोगों को जो ये सामने हाईवे दिख रहा है तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ही है। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था, और दोस्तों ये आगरा से चित्रकूट तक जाता सीधा रूट ये। तो दोस्तों मैंने अभी इस पर अभी तक राइड नहीं किया, मतलब मैंने अभी इस रोड पर चला भी नहीं हूँ दोस्तों मैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों मैं अभी ऑफिस आ गया हूँ, अभी टिकट लेते हैं अपने। सो गाइस बस आ चुकी है फाइनली, दोस्तों भी मेरे पीछे बस खड़ी है, इसी बस से मुझे निकलना है इंदौर, यही इंदौर की बस है, बस दूसरा वालों की है। दोस्तों बस निकलने वाली है, 4:30 बजे निकली, यहाँ से बस टाइम हुआ है, 4:26 हो गया है गाइस। चलो चलते हैं ऊपर, बैठते हैं अपनी सीट में, स्लीपर है मेरा दोस्तों, काफ़ी अच्छे है दोस्तों इसके अंदर तो। और टीम ये है अपना,
14 नंबर है ये सर। तो फाइनली गाइस मुझे मेरी सीट मिल गई है एंड जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बैठा हूँ, बैठ भी सकता हूँ स्लीपर, क्योंकि ये सिंगल स्लीपर कराया था मैंने और बस भी कर चुकी है। और इसमें एक सॉकेट मिल जाता है 5.6 सॉकेट, ये इसमें मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और ये सूज वगैरह रखने के लिए मिल जाता है, मेरे पाया गए और काफ़ी फैसिलिटी अच्छी है बाकी सब बोलिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब हम सुबह पहुंच जाएंगे इंदौर, पहुंच जाएंगे क्योंकि 7:30 बजे पहुंच जाएगी पहुँचा देगी। ढाबा कोई नाम ही नहीं है, पता नहीं कौन सा ढाबा कहाँ पर है, तो बता रहे ललितपुर खड़ा खाना खाते बैठते अपने वापस सीट पर जाते हैं। तो गाइस अभी बस रुकी है, उसका आधे घंटे का ब्रेक है, तो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने खाना खा लिया। तो खाने में था दोस्तों दाल रोटी और मैंने बाद में चावल कराया था, और सलाद में था प्याज और खीरा मिर्च चटनी थी, अच्छा लगा। बस इतने दोस्तों आप काफ़ी हो चुकी है, तो गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ दोस्तों वो अंदर दिख नहीं रहा था मुझे ढाबा का नाम, तो बाहर लिखा हुआ था वो साईं राम ढाबा था दोस्तों, मैं दोबारा देख रहा था अंदर तो मुझे दिख नहीं रहा था, इसलिए बाहर देखा मैंने वापस तो साईं राम ढाबा था दोस्तों जी। हाय गाइस गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुँच चुके सोनकच्छ, ये सोनकच्छ में ये होटल है, बाहर से दिखाएंगे आपको। एंड 25 रुपये की कॉफ़ी मिली दोस्तों, ये 25 रुपये की बहुत महंगी दिया, होटल देख के लग ही रहा इतने अच्छा होटल है तो कॉफ़ी भी तो अच्छी है ना। देखते हैं गाइस होटल के अंदर का सीन दोस्तों, ये होटल है पप्पू रिसोर्ट एंड होटल, यही करके पप्पू रिसोर्ट एंड पप्पू होटल ऐसे हैं। तो दोस्तों ये बाहर कुछ नज़ारा, ये मेरे पीछे होटल, ये न्यू पप्पू रिसोर्ट एंड पप्पू, यही नाम इसका दोस्तों न्यू पप्पू रिसोर्ट। तो दोस्तों ये सोनकच्छ में हम अभी पहुंचने वाले इंदौर, तो दोस्तों मैं इंदौर में मांगलिया में उतर जाएंगे हम लोग, तो दोस्तों मैं अकेले हूँ तो मैं मांगलिया में उतर जाऊँगा। यहाँ पर तो बारिश होती रही है देख सकते हैं, पार्क बन हुआ होटल में, अच्छा काफ़ी अच्छा, पानी भी ख़त्म हो गया था बोतल में, तो मैंने पानी अभी भरा है, अंदर से भरा था, बहुत पहले ख़त्म हो गया था, मुझे रास्ते में बस नहीं रुकी तो मैंने भरा नहीं पानी। In the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life. I love the chase and the hunting, I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted. Say-
आज बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा मौसम, सो वेरी नाइस। बारिश भी हो रही बहुत, जो जियो का कॉल लगाया था वो फोन आता लेंगे, चली जाना पड़ेगा पहले दिन तक। तो दोस्तों ये मांगलिया गांव है, इसके आगे 9 किलोमीटर इंदौर पड़ता है, तो आप लोग देख सकते हैं मांगलिया का सीन कुछ इस तरह से है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामने ये महाकाल होटल है, अच्छा लग रहा है बहुत, यहाँ का सीन अच्छा ही है, दृश्य अच्छा लग रहा है। बाकी की कोला भी होगी दुनिया लेने मौसम तो फिलहाल काफ़ी अच्छा है, क्या सिटी है पूरा दोस्तों, यहाँ से इंदौर 9 किलोमीटर दूर रहते हैं, 9 किलोमीटर दूर है इंदौर यहाँ से पड़ता है। तो फाइनल गाइस पहुँच चुके हैं हम रूम अपने, एंड अभी सभी लोग सो रहे हैं गाइस, ये मेरे जिया जी खड़े हैं, सभी लोग सो रहे हैं अभी लेटे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देखते बहुत सारे देखते हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो, काफ़ी बिक गए यार सभी, सब बिक गए, सब बिक गए, पूरे बिक गए, सभी लोग जग गए, अब सभी लोग जग गए, सब लोग बैठते हैं सब।